हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो अक्सर ही अपने डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग कर ही देते हैं। समय आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, समय आने पर मैं आपका साथ दूंगा, समय आने पर मैं इस स्कूल में जरूर पढ़ूंगा, समय आने पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, समय आने पर मैं यहां से जरूर चला जाऊंगा। इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर ही अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोग सुनना पड़ जाता है या बोलना पड़ जाता है। तो देखिए, हम लोग हिंदी तो बोलते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर मैं लेकर आया हूं जो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी करना आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के और बहुत सारा वीडियो बनाता रहूं। और वीडियो पसंद है कि मेरे भाई इसको लाइक तो कर दीजिए यार, लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, इसका स्ट्रक्चर है इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय आने पर, या उसके जगह पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स, या इन द कोर्स ऑफ टाइम प्लस सेंटेंस। जैसे देखिए, हर एक सेंटेंस में आपको कॉमन शब्द मिलेगा, समय आने पर, समय आने पर, समय आने पर, समय आने पर, इसका हर एक सेंटेंस में कॉमन हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे इन द कोर्स ऑफ टाइम या व्हेन द टाइम ऑफ कम्स, व्हेन द टाइम द कम्स, यानी कि दोनों में से किसी एक को प्रयोग करना है, दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं करना है। चलिए हम लोग इन द टाइम इसको प्रयोग करते हैं, इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम प्रयोग करते हैं। देखिए, इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय आने पर, इतना की इंग्लिश हो गया, मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा, आई विल, यानी कि विल प्रयोग इसके साथ सेल कर सकते थे लेकिन विल इसलिए प्रयोग किया कि मैं यहां से चला जाऊंगा, मतलब मैं यहां से अवश्य चला जाऊंगा, समय आने पर मैं यहां से अवश्य चला जाऊंगा। उसके बाद गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, इन द कोर्स ऑफ टाइम, आप लोग इन द कोर्स ऑफ टाइम के जगह पर व्हेन द टाइम कम्स प्रयोग कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आई शैल टेल आपको यू एवरीथिंग, एवरीथिंग, समय आने पर मैं इसे दे दूंगा। चलिए इस बार व्हेन द टाइम का प्रयोग करते हैं, व्हेन द टाइम कम्स, मैं इसे दे दूंगा, आई शैल गिव दिस, समय आने पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर ये सेंटेंस आप लोगों को समझ में आए हैं तो प्लीज इस सेंटेंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के और बहुत सारा वीडियो बनाता रहूं।